Welcome back to my channel Motherhood DC. I'm your healthcare friend and my name is Ashna Datta. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्लेसेंटा प्रीवे के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद जितनी भी डाउट्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं प्लेसेंटा प्रीवे के बारे में, वो सब चीजें आपको पता लग जाएंगी। वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीवे क्या होता है, इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये प्लेसेंटा प्रीवे का कारण क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ये सब चीजें हम पता लगेंगे। क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है अगर आपकी रिपोर्ट में, यूएसजी में, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में प्लेसेंटा प्रीवे लिखा आया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम प्लेसेंटा को समझ लेते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है? देखिए, प्लेसेंटा जो होता है एक अस्थायी अंग होता है। ये आपकी जो गर्भावस्था होती है उसी में ही विकसित होता है, और जब आपका गर्भावस्था यानी कि आप डिलीवर कर लेते हैं तो उसी के साथ ये आपकी योनि मार्ग से निकल जाता है। तो ये एक अस्थायी अंग होता है। कार्य को समझ लेते हैं, इसका कार्य क्या होता है। देखिए, ये आपके बेबी को, आपके बच्चे को, शिशु को ऑक्सीजन प्रदान करता है और सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। और ये जो मदर से जो बच्चे को ब्लड जाता है उसको फिल्टर करके बच्चे तक पहुंचाता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो शिशु का मल है उसको भी बाहर निकालता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जितने भी बच्चा आपका गर्भाशय में फलता फूलता है वो इसी के कारण होता है। इसको आफ्टर बर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि जन्म के बाद, शिशु के जन्म के बाद इसको भी योनि मार्ग से निकाल दिया जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। देखिए, जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है इसको लो लाइन प्लेसेंटा ही बोलते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि लो लाइन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया, तो समझ लीजिए कि हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। जब आपका गर्भाशय में जो प्लेसेंटा होता है उसकी पोजीशन जो होती है वो नीचे की तरफ होती है, तो हम उसको लो लाइन प्लेसेंटा बोलते हैं। नीचे की तरफ यानी कि प्लेसेंटा जब नीचे की तरफ होता है गर्भाशय के, यानी कि ये आपका जो गर्भाशय है उसकी ओपनिंग को बंद कर देता है, यानी कि जो सर्विक्स है उसको पूरा कवर कर लेता है। इसके पूरा कवर कर लेने के बाद यानी कि जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है। यानी कि जब आपके डिलीवरी का समय आता है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सर्विक्स को ही पूरा कवर कर रहा है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो योनि मार्ग से बाहर नहीं आ सकता। इसके साथ साथ बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, इसके साथ साथ होती रहती है। लो लाइन प्लेसेंटा जो है इसको अगर हम सही समय पर पता लगा लें, डायग्नोस कर लें, तो बहुत ही मतलब इसको आसान तरीके से हैंडल किया जा सकता है। अगर लास्ट में, अंत में कुछ पता लगता है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा प्रीविया है या लो लाइन प्लेसेंटा है, तो इसमें कई समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। पहले तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। सेकेंडली, आपको सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है और इसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। प्लस इसमें शिशु को भी काफी समस्याएं होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो नॉर्मली प्लेसेंटा होता है वो गर्भाशय में ऊपर की तरफ होता है या साइड वाइज होता है। अगर जो प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही नॉर्मल है, 95% महिलाओं में ऐसा देखा गया है। लेकिन डॉक्टर अब क्या करते हैं, उनका जो कॉल होता है, अगर जिन 95% महिलाओं को प्लेसेंटा नीचे देखा गया है उनको इमिडिएटली जो एक्शंस होते हैं वो लिए जाते हैं, यानी कि उनको प्रॉपर जो बेड रेस्ट होता है वो करने के लिए बोला जाता है। और जो सावधानियां मैं आगे बताने वाली हूँ वो सब चीजें करनी पड़ती हैं ताकि उस प्लेसेंटा की पोजीशन को ऊपर लाया जा सके। हर 200 में से एक महिला ऐसी होती है जिसकी स्थिति मतलब थ्रू आउट द पूरी प्रेगनेंसी ये बनी रहती है, यानी कि अंत तक, डिलीवर तक, लेबर पेन तक वो जो स्थिति है वो वैसी ही बनी रहती है। अगर ये जो स्थिति है लेबर पेन या डिलीवरी तक बनी रहती है तो ये काफी चीजों को जन्म देती है, काफी जटिलताओं को जन्म देती है। इससे शिशु का स्वास्थ्य और प्लस मदर का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अब हम प्लेसेंटा प्रीविया के लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ महिलाओं को इसके लक्षण महसूस नहीं होते, लेकिन बहुत सी महिलाओं को इसके लक्षण महसूस होते हैं। जैसे कि अगर आपको योनि मार्ग से ब्लड आ रहा हो, रक्तस्राव हो रहा हो, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा प्रीविया है या लो लाइन प्लेसेंटा है। जो इसका ब्लड का रंग है वो गहरा भी हो सकता है। नेक्स्ट, आपका कॉन्ट्रैक्शन होना, अगर आपको समय से पहले कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हो
यानी कि पेट में दर्द हो रहा हो या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा हो तो इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं ये। प्लेसेंटा प्रीविया तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, इसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स के किनारे पर होता है। सेकेंड आपका होता है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, इसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स को हल्का सा कवर करता है। थर्ड आपका कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, इसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स को पूरी तरीके से कवर कर देता है। अब हम लो लाइन प्लेसेंटा के कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो लो लाइन प्लेसेंटा है उसका वास्तविक कारण अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन कुछ महिलाओं में ये जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि जो महिलाएं 35 वर्ष से ऊपर हैं उन महिलाओं में ये जो कंडीशन है देखी गई है। जिन महिलाओं की गर्भाशय की सर्जरी हुई है उन महिलाओं में ये देखा जाता है। महिलाओं के गर्भ में जुड़वा या दो से अधिक बेबी हैं उन महिलाओं में ऐसी स्थिति देखी गई है। या जो महिलाएं शराब या धूम्रपान का सेवन करती हैं उनको इस चीज की आदत होती है उन महिलाओं में ये जो कंडीशन है देखी गई है। या पहले की जो उनकी डिलीवरी हुई है पहले बेबी में प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है तो उस स्थिति में सेकेंड प्रेगनेंसी में भी ये कंडीशन देखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे किस तरीके से आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। देखिए सिंपली अल्ट्रासाउंड के जरिए आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। देखिए एज सच उसका कोई सर्जिकल या मेडिसिनल जो ट्रीटमेंट है वो नहीं है, बस हम इसको ये कर सकते हैं कि इसको एज सून एज अर्ली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। 20वें हफ्ते से पहले इसको डिटेक्ट अगर हम कर लेते हैं तो हम कुछ सावधानियां अपना के कुछ चीजें अपना के इसकी जो पोजीशन है इसको चेंज कर सकते हैं। जो कि प्लेसेंटा जो होता है वो प्लेसेंटा प्रीविया में नीचे की तरफ होता है, तो हम क्या करते हैं कुछ सावधानियां बताते हैं कुछ चीजें बताते हैं। जो महिला होती है जो गर्भवती होती है उसमें क्या होता है आपको पूरा लेटना पड़ता है, बेड रेस्ट बताया जाता है ताकि जो प्लेसेंटा उस पर भार ना पड़े। बस राइट और लेफ्ट में अगर प्लेसेंटा जो उसका यूट्रस का भार होता है उस साइड पड़ता है जिससे कि जो प्लेसेंटा होता है वो उसको सपोर्ट मिलता है और वो अपना जो पोजीशन है नीचे से ऊपर की तरफ कर सकता है। तो ये चीजें रहती हैं। अगर इसे ठीक नहीं किया गया या हमें अंतिम चरण में पता चलता है कि प्लेसेंटा प्रीविया है तो इसका बस यही इलाज है कि हम सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। डॉक्टर इमीडिएटली सी सेक्शन करवाने का बोलते हैं उस महिला को। अब हम इसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे कि क्या प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आपको बस रेस्ट 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 करना है। जितना आप रेस्ट करेंगे उतना ही आप इस चीज से बाहर निकलेंगे। ये जो कंडीशन है आपके जो गर्भावस्था है उससे हटेगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग में अगर इसको पता लगा लेते हैं और स्टार्टिंग में क्योंकि जो गर्भाशय का जो साइज होता है वो छोटा होता है तो प्लेसेंटा बड़ा आसानी से ऊपर आ जाता है। और इनिशियली अगर ये स्टेप लेते हैं तो हम इससे निजात पा सकते हैं। रेस्ट से जितना आप रेस्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बस जो आप नेचुरल कॉज होते हैं बाद के लिए खाने पीने के लिए उठ सकते हैं, वॉक भी अवॉइड होती है इसके अंदर, और एक्सरसाइज आपको नहीं करनी, सनबॉक्स से बचना है। तो ये सब चीजें करेंगे क्योंकि डॉक्टर भी आपको सलाह देते हैं इस चीज को करने के लिए। ये सब चीज करेंगे तो आप अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं इस कंडीशन से बाहर आने के लिए। अब हम इसकी जटिलताओं के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी जो ये कंडीशन है प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन आपके रिपोर्ट में देखी अगर आप देखते हैं तो क्या क्या चीजें जो कॉम्प्लेक्स है जो चीजें हैं आपको झेलनी पड़ सकती है। देखिए सबसे पहले अर्ली डिलीवरी की इसमें चांसेस होते हैं, 36 से पहले ही आपकी डिलीवरी हो सकती है। नेक्स्ट आपका जो ऑक्सीजन होता है वो बच्चे को बहुत कम पहुंचता है जिससे कि आपके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है और इससे बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है। बच्चे से स्वास्थ्य से संबंधित कई समस्याएं, उसका विकास सही से नहीं हो पाता, तो ये सब चीजें हैं। और प्लस डिलीवरी में आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो नहीं हो सकती, आपको सी सेक्शन की तरफ ही जाना पड़ता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा ताकि हम छोटी सी फैमिली हम बड़ी बन सकें। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप मेरी वीडियो को इसी तरीके से इंजॉय कर पाएं, देख पाएं और कुछ नॉलेज ले पाएं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। नमस्कार।